नमस्कार साथियों, मैं गोविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम चलते हैं एक नए क्लास की तरफ और आज हम पढ़ेंगे मानव दांत। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मानव दांत। एक मिनट रुक जाओ आप लोग। आज का टॉपिक हमारा क्या होगा? मानव दांत। आज का टॉपिक दिखाई दे रहा है, आज का टॉपिक है मानव दांत। और इसमें हम जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो हमारे परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कंपटीशन वाले एग्ज़ाम के, हम वही चीज़ें पढ़ेंगे। बाकी इसमें हम कोई चीज़ें फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। जो हमारे लिए उपयोगी है हम वही चीज़ें पॉइंट के हिसाब से, एक पॉइंट दो पॉइंट ऐसे डाल डाल के लिख लेंगे और समझ लेंगे अच्छे से कि ये सब होते क्या हैं। ठीक है, देखो, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारा है दांतों का अध्ययन। पहला पॉइंट में लिखते हैं ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ओडोंटो दिखाई दे रहा है ना, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ओडोंटोलॉजी कहलाता है मानव दांतों का अध्ययन। क्या कहलाता है? कहोगे सर ओडोंटोलॉजी कहलाता है, मानव दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। अब इसमें दूसरा पार्ट लिखते हैं दांत का वह है भाग जो जबड़े में धसा होता है उसे रूट कहते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है, उसे रूट कहते हैं। जो भाग जबड़े में धसा होता है उसे रूट कहते हैं। ठीक, इसमें तीसरा पॉइंट लिखते हैं वह भाग जो जो जबड़े के ऊपर होता है उसे क्राउन कहते। आप पहले लिखो, आप लोग लिखो, फिर मैं समझा दूंगा, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, दांतों का चौथा पॉइंट में लिखो, चौथा पॉइंट है दांतों का सबसे बाहरी भाग या आवरण, इसे कह सकते हैं आवरण, दांतों का इनेमल कहलाता है। पहले लिखो, मैं समझाऊंगा। इनेमल कहलाता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट लिखो, हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग दांतों का इनेमल है। ठीक है, एक चीज़ और लिख देते हैं, छठवा पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं, दांतों से भी
ज्यादा कठोर या मजबूत? कठोर ब्रैकेट में मजबूत, कठोर या ब्रैकेट में मजबूत इनेमल होता है। अब लिखे रहो, मैं समझाऊंगा फिर। अब दांतों के सातवां पॉइंट लिखो। दांतों के इनेमल के मजबूत होने के कारण है, के मजबूत होने का कारण फ्लोरीन तत्व होता है। फ्लोरीन नामक तत्व होता है। फ्लोरीन नामक तत्व होता है, ठीक है। और दांतों की कठोरता का कारण, ठीक है, एक पॉइंट और लिख लो। मजबूती का कारण कैल्शियम होता है। कैल्शियम यहाँ इसको रेड से लिख दें, है ना। कैल्शियम नामक तत्व होता है। ठीक, कैल्शियम नामक तत्व होता है। अब इतना चीजें लिखो, फिर हम समझा रहे हैं। मैं एक दांतों की संरचना बनाऊंगा, आप ही देखो, दिखाई दे रहा है। चलो यहाँ हम बनाते हैं। वैसे हम चित्र नहीं बना पाते हैं, लेकिन अब बनाए हैं। सही बना है, चलो सही है, बना है, ठीक है भैया। जो बना है सही बना है, समझना है हमें, तुम सब सही बना लेना। ठीक, ध्यान से देखना, ये हम ऐसे पार दिए हैं, ये हम ऐसे पार हैं। अब क्यों पार रहे हैं रेखा, अभी बताएंगे। देखो साथियों, तो अब हम समझते हैं। अब हमने इतना लिख दिया, पहले लिख दिया है कि मैं आप लोगों को बेहतर ढंग से समझा सकूं। अब देखो ध्यान से देखना, हमने पहला पॉइंट लिखा है, मानव दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। मानव दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है भैया? कहोगे सर ओडोंटोलॉजी कहलाता है। मानव दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है, ठीक। ये इतना क्लियर है, कंफर्म है ना? मानव दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। इतनी बात आप लोग समझ लिए हैं, इतनी बात आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। फिर देखते हैं, दांतों का वह भाग जो जबड़े में धंसा होता है उसे रूट कहते हैं। देखो देखो ये वाला भाग, इतना ये पूरा भाग, ये पूरा भाग देखो यहाँ हम लिख दे रहे हैं रूट। यहाँ हम देखो ये वाला भाग, देखो ध्यान से देखना, ये वाला भाग रूट सही से लिख दें। देखो ये वाला भाग, इतना भाग देखो, जो ये एक लाल रेखा पा रहे हैं ना, ये भाग जबड़े में धंसा है और ये धंसे हुए भाग को हम रूट कहते हैं, ठीक है। और जो दांतों के ऊपर वाला भाग होता है, इसे हम क्राउन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? क्राउन कहते हैं, ठीक। अब देखो ध्यान से देखना, दांतों का वह भाग जो जबड़े में धसा धरा लिख रही है ना, धसा यहाँ चाहिए,
धसा होता है उसे रूट कहते हैं। देखो ये पूरा दांत है, पहले समझो यार, ये पूरा पूरा दांत का चित्र है। इस पूरे दांत में आप देखोगे तो इतना वाला भाग, ये जो रेड पार नहीं रेखा, ये नीचे वाला भाग जबड़े में धसा है, ये भाग जबड़े में धसा है। और यही धसा हुआ भाग, इतना सा भाग जो ये है नीचे का इतना सा भाग, यहाँ से लेकर यहाँ, ये रूट कहलाता है। रूट जड़ जिसे कहते हैं यार, जड़ बोलो जड़। अगर हम किसी पौधे का जड़ देखें तो ज़मीन के अंदर धसा होता है ना, उसी के जड़ को ही तो रूट कहते हैं। तो ये दांत भी जो हमारे जबड़े में धसा होता है उसको रूट कहते हैं। अब देखो वह भाग जो जबड़े के ऊपर होता है उसे क्राउन कहते हैं। देखो जो भाग जबड़े के ऊपर होगा उससे हम क्राउन कहेंगे। देखो जबड़ा यहाँ, ये इतनी चीज़ें जबड़े में धंसी हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ से ऊपर का भाग जबड़े के ऊपर है, दांत का ऊपरी भाग जबड़े के ऊपर जो धंसा नहीं है उसे हम क्राउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं, ठीक है। अब देखो दांतों का सबसे बाहरी भाग या आवरण इनेमल कहलाता है। देखो यही, ध्यान से देखना ये वाला भाग, देखो ये देखो, ये तो दांत है, ये दांत है, रेड वाला दांत है, लेकिन ये जो ब्लैक वाला हम लाइनें खींचे हैं, ब्लैक वाला ये सबसे ऊपरी दांत के ऊपरी आवरण, दांत का जो ऊपरी आवरण यही, इसे हम क्या कहेंगे बताओ? इनेमल। इसे हम क्या कहते हैं? दांतों का इनेमल कहते हैं। इसे दांतों का इनेमल ई सही बना दें, दांतों का इनेमल कहते हैं, ठीक है। हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग दांतों का इनेमल होता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा है, मजबूत हिस्सा कौन सा है, तो हम कहेंगे सर दांतों का इनेमल है। क्या है? दांतों का इनेमल है, ठीक। अब देखो दांत से भी ज़्यादा कठोर या मजबूत इनेमल होता है, जो पूरा दांत है, ये पूरे दांत से भी, इस रेड वाले से भी मजबूत हमारा होता है, ये ब्लैक वाला जो आवरण है इनेमल जिसे कहते हैं, ये दांत से भी मजबूत होता है, ठीक है। अब दांतों के इनेमल के मजबूत होने का कारण क्या है बताओ? फ्लोरीन। अगर दांतों इनेमल हमारा इतना मजबूत क्यों होता है बताओ? क्यों होता है? फ्लोरीन के कारण होता है। फ्लोरीन क्या है? एक तत्व है, उसी के कारण हमारा दांतों का इनेमल बहुत मजबूत होता है, ठीक। अब देखो दांतों की कठोरता का कारण, देखो जब इनेमल की कठोरता पूछी जाए तो फ्लोरीन है, और जब दांतों की कठोरता पूछी जाएगी तो क्या होगा? कैल्शियम। किसके कारण? कैल्शियम के कारण, कैल्शियम, ठीक है। बोलो इतनी बात आई समझ में? मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूँ। देखो ध्यान से देखना, देखो मानव दांतों का अध्ययन तो ओडोंटोलॉजी कहलाता है, मानव दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। मानव दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। आप यहाँ चित्र देखा करिए, मानव दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है, पहला। दूसरा लिखे हैं कि दांत का वह भाग जो जबड़े में धंसा होता है, उसे रूट कहते हैं। मान लो जो हमारा पौधा होता है उसकी जड़ें जमीन में धंसी होती हैं ना, और जड़ को तो ही रूट कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ है, वही कहानी यहाँ है कि जो जितना दांत हमारे जबड़े में धंसा रहेगा उस धंसे हुए दांत को हम क्या कहेंगे? रूट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भाग दांत का जबड़े के ऊपर होता है, जो धसा नहीं होता है, जो ऊपर होता है, उसे हम क्राउन कहते हैं। इतनी बात आई समझ में? उसके बाद लिखें दांत का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? इनेमल। दांत का इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि दांतों का सबसे बाहरी भाग क्या है? कहोगे सर दांतों के सबसे बाहरी भाग को इनेमल कहते हैं, और इनेमल जो होता है हमारे शरीर का सबसे मजबूत जो है भाग है। दांतों का इनेमल जो होगा हमारे शरीर में सबसे क्या है, यहाँ लिखे भी देखो, दांतों का इनेमल कहलाता है, हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग दांतों का इनेमल ही होता है। हम बता रहे हैं हमारे शरीर में अगर सबसे ज़्यादा मजबूत कोई भाग है तो वो दांतों का इनेमल है, इतना चीज़ समझ लेना। फिर हमारे शरीर, देखो दांत से भी ज़्यादा कठोर या मजबूत इनेमल होता है, जो पूरा दांत है ना भैया, दांत से ज़्यादा मजबूत उसका बाहरी आवरण इनेमल होता है, ठीक। फिर दांतों के इनेमल के मजबूत होने का कारण फ्लोरीन है। फ्लोरीन दांतों का जो इनेमल है वो इतना मजबूत क्यों बना है? क्योंकि उस पर फ्लोरीन का साया है, ठीक। बोलो समझ में आया? फ्लोरीन के कारण दांत जो हमारे दांत का आवरण जो है इनेमल वो मजबूत होता है। अब देखो दांत की कठोरता या मजबूती का कारण तो कैल्शियम है यार। दांत की कठोरता या मजबूती पूछा जाए तो कैल्शियम, और इनेमल की कठोरता या मजबूती पूछा जाए तो फ्लोरीन। बोलो इतनी बात आई समझ में? मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। बोलो
ठीक है ठीक बोलो। मैंने पहले लिख दिया, आप लोग इसको उतार लेना, ठीक है। मैंने समझा भी दिया है बहुत बेहतर ढंग से। बोलो आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है समझ में? ठीक है, अब मैं मिटाऊं? समझ गए, इसमें कुछ नहीं है भैया। देखो, दांतों का धन ओडोंटोलॉजी, उसके बाद दांत का वो भाग जो जबड़े में धंसा है रूट कहलाता है, दांत के ऊपर का भाग जो जबड़े में नहीं धंसा है क्राउन कहलाता है। देखो दांतों का सबसे मजबूत भाग क्या होता है? इनेमल होता है दांतों का, है ना। हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग भी इनेमल ही होता है। उसके बाद दांत से भी ज़्यादा कठोर या मजबूत इनेमल होता है। बस तीन चीज़, ये तीन लाइनें एक ही चीज़। हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग दांतों का इनेमल है ना, दांत का सबसे मजबूत भाग दांतों का आवरण इनेमल ही है, वो मजबूत होता है। यह कह दिया जाए दांत से भी ज्यादा मजबूत दांतों का इनेमल होता है, दांत से भी ज्यादा मजबूत दांतों का इनेमल होता है। कभी यह मत कंफ्यूज हो जाना कि दांत सबसे मजबूत होता है, नहीं। दांतों का आवरण जो बाहरी आवरण होता है जिससे दांत ढके रहते हैं, दांतों का आवरण जो इनेमल कहलाता है वो सबसे मजबूत भाग होता है। अब देखो, दांत के इनेमल के मजबूत होने का कारण है फ्लोरीन है, ठीक है। देखो दांतों की कठोरता या मजबूती का कारण क्या है? कैल्शियम है, ठीक है। तो बस ये मोटी मोटी सी बातें हैं। ये हमने दांत का फिगर बनाया, ये वाला भाग देखो, इतना भाग देखो, इतना भाग धंसा है जबड़े में, तो ये वाला रूट कहला रहा है, इतना पूरा भाग ये रूट है, ठीक है। उसके बाद ये वाला भाग इतना धंसा नहीं है जबड़े में, तो ये क्राउन कहलाया, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखो, ये सब जो ब्लैक वाला ये देखो, मैं रेड कर रहा हूँ ना, ये वाला भाग दांतों का ऊपरी आवरण है जिसे हम इनेमल कहते हैं, और यही इनेमल सबसे मजबूत भाग होता है हमारे शरीर का। बोलो आए समझ में? अब हम क्या पढ़ेंगे? दांतों के प्रकार। दांतों में तो इतनी छोटी छोटी सी बातें जो हैं, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए यहाँ से, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन है बन सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो दांतों के प्रकार, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, ठीक है। तो अब हम दांतों के प्रकार पढ़ेंगे, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दांतों के प्रकार पर। ठीक है, तो हम दांतों के प्रकार पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? हेडिंग क्या है? दांतों के प्रकार, ठीक है। दांतों के प्रकार, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, लिख लो दांतों के प्रकार निम्नलिखित हैं। दांतों के प्रकार निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित दांत कितने प्रकार के होते हैं बताओ? दांत कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। पहला लिखो, दांत चार प्रकार के, लिख दिए हैं दांत चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे दांतों के प्रकार, यहाँ पर प्रतीक संख्या और यहाँ पर कार, ठीक है, दिख रहा है? हाँ सही है, दांतों के प्रकार। रुक जाओ, इसको सही लिख दें, दांतों के प्रकार, ठीक। अब देखो, पहला है जो पहला प्रकार है इंसीजर, ठीक है। दूसरा प्रकार है
कैनाइन, दूसरा प्रकार है कैनाइन, तीसरा प्रकार है मोलर, तीसरा प्रकार मोलर चौथा है प्रीमोलर, चौथा है मोलर। ठीक है, ये दांतों के चार प्रकार हैं। यहाँ जो तीसरे में प्रीमोलर है और आसानी रहेगा तुम लोगों को समझने में, यहाँ प्री जो यहाँ पर लिखेंगे प्री मोलर, चौथा है मोलर। ठीक, अब देखो इसे हिंदी में कहते हैं कृंतक, इसे रदनक, इसे देखो इसको कृंतक कहते हैं, इसको रदनक कहते हैं, और इसको कहेंगे अग्र, अग्र चावरड़क है ना, और इसको हम चावरड़क ही कहते हैं। ठीक, तो इतना पहले लिखो, मैं समझा रहा हूँ। ठीक, इसका प्रतीक जो है, जेड से ही लिख दें, इसका प्रतीक है आई फॉर इंसीजर, यहाँ सी फॉर कैनाइन है ना, इसका पी प्री एम फॉर मोलर, पी एम इसका है एम मोलर, इसका एम है। ठीक है, इसका एम है थोड़ा सा दूर हो गया है, सीधाई में रहे तो और अच्छा रहेगा, मोलर। ठीक है, इधर हो गया, मुझे सीधा नहीं लिख जा रहा है। ठीक, इतना हुआ, बोलो। अब इसकी संख्या है आठ है, इसकी चार है, इसकी बारह है, इसकी सोलह है, आठ चार बारह सोलह। बोलो इतना होता है, अरे यहाँ आठ रहेगा, यहाँ पर आठ रहेगा। ठीक, कितने दांत हो गए, हमें तो लग रहा है ज़्यादा लिख दिए हैं। यहाँ सोलह कहाँ से आ गया यार, यहाँ तो बारह रहेगा। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा चार प्लस चार, अभी हम समझा रहे हैं क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पर दो प्लस दो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा चार प्लस चार हो जाएगा, यहाँ पर छः प्लस, तुम सब लिखो, मैं बगल हो जा रहा हूँ कि तुम सब लिख लो। पकड़ना, काटना, फिर चीरना, फाड़ना, तो लिखो लिखो तुम। ठीक है, यहाँ चबाना, यहाँ पर पीसना। ठीक है, इतनी चीज़ें लिखो, मैं समझा रहा हूँ। लिखो इतनी चीज़ें, मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, बड़े अच्छे से समझाऊँगा, पहले लिखो। ठीक, देखो जो दांत होते हैं हमारे चार प्रकार के होते हैं, पहला है इंसीजर, कैनाइन,
प्रीमोलर और मोलर। देखो, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हमारे पास दांत कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। इसको हम कृंतक कहते हैं, इसको रदनक कहते हैं, इसको अग्र चवर्णक कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्र चवर्णक, और इसको हम चवर्णक कहते हैं। जो हमारे पास दांतों के चार प्रकार है, पहला इंसीजर को कृंतक कहते हैं, कैनाइन को रदनक कहते हैं, है ना, उसके बाद प्रीमोलर को अग्र चवर्णक कहते हैं, और मोलर को चावरणक कहते हैं। तो दांत के चार प्रकार हो गए। देखो, इंसीजर का जो सिंबल है, जो प्रतीक है, आई है। कैनाइन का सी, वही सी फॉर कैनाइन, आई फॉर इंसीजर। पीएम मतलब प्री, पी फॉर प्री, एम फॉर मोलर, और मोलर का होगा जो सिंबल होगा, यम होगा। बोलो, इतनी चीज़ें आई समझ में? अब देखो, जो हमारे पास इंसीजर दांतों की संख्या है वो चार है, आठ है। इंसीजर दांतों की संख्या कितनी है? चार। हमारे कहने का मतलब कृंतक जो दांत है उनकी संख्या चार है, वो सॉरी आठ है, आठ। अब हमने यहाँ लिखा है 4 + 4, इसका मतलब ये भैया कि जो ये हमारे कृंतक या इंसीजर जो दांत हैं, चार ऊपर वाले जबड़े में, चार नीचे वाले जबड़े में है। ये चार ऊपर, चार, देखो यू हम यहाँ लिखते हैं, यू अप और यहाँ डाउन लिख देते हैं। यहाँ अप, यहाँ डाउन, यहाँ अप, यहाँ डाउन, यहाँ अप, यहाँ डाउन, ठीक। तो चार दांत ऊपर होंगे और चार दांत नीचे होंगे, तो चार चार आठ दांत हो जाएंगे हमारे पास। और इसका काम क्या है? भोजन को, है ना, भोजन को पकड़ना या काटना, भोजन को पकड़ना या काटना किसका काम है? कहोगे सर कृंतक या इंसीजर का। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए भोजन को काटना या चीरना, काटना या पकड़ना किस दांत का काम है, तो कहोगे कृंतक या इंसीजर। समझ में आई बात? फिर यहाँ कैनाइन, कैनाइन, कैनाइन का सिंबल सी है, और ये कुल चार दांत होते हैं, इनकी संख्या चार होती है। अब दो ऊपर वाले जबड़े में, दो नीचे वाले जबड़े में, दो दांत ऊपर वाले जबड़े में होंगे और दो दांत नीचे वाले जबड़े में होंगे। इतनी बात आई समझ में? और जो इनका कार्य है, इनका कार्य है वो भोजन को चीरना और फाड़ना। भोजन को चीरना और फाड़ना किसका काम है? कैनाइन रदनक दांत का काम है भोजन को चीरना और भोजन को फाड़ना, ठीक। अब देखो प्रीमोलर, देखो प्रीमोलर, इसका सिंबल जो है, प्रतीक जो है वो पीएम है, पी फॉर प्री, एम फॉर मोलर, ठीक है, प्रीमोलर। बोलो, इतनी बात है समझ में? अब इनकी संख्या टोटल आठ है, इनकी टोटली संख्या कितनी है? आठ है। कहोगे सर आठ, इसका मतलब चार ऊपर होगा, चार नीचे होगा, चार दांत ऊपर वाले जबड़े में और चार दांत नीचे वाले जबड़े में होंगे, ठीक है। और इसका काम क्या है? भोजन को चबाना, भोजन को चबाना, इसका काम क्या है? भोजन को चबाना। अब देखो, ये हमारा मोलर है या चवर्णक है, इसकी संख्या 12 है, इसकी संख्या कितनी है? 12 है, इसकी संख्या 12 है। छ ऊपर, छ नीचे, छ ऊपर, छ नीचे, छ ऊपर, छ नीचे, समझे? इसका काम है भोजन को पीसना, इसका काम क्या है? भोजन को पीसना। तो मोटी मोटी बातें एक बार और समझ लीजिए, हमारे पास दांत चार प्रकार के होते हैं। हमारे पास दांत चार प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं आप यहाँ देखेंगे। इनसीजर, इसको हम कृंतक कहते हैं हिंदी में, कैनाइन हिंदी में हम रदनक कहते हैं, प्रीमोलर हिंदी में अग्र चवर्णक कहते हैं, मोलर इसे हम चवर्णक कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझें? अब देखो, इनसीजर को जो सिंबल है आई है, कैनाइन का सिंबल सी है, प्रीमोलर का सिंबल पी एम है, और मोलर का सिंबल यम है। देखो, जो इंसीजर दांत है इनकी संख्या, इनकी संख्या आठ होती है, इंसीजर दांतों की संख्या आठ होती है, कैनाइन दांतों की संख्या चार होती है, प्रीमोलर दांतों की संख्या आठ होती है, और मोलर दांतों की संख्या 12। बोलो, समझ में आई बात? समझ में आई? इतनी बात आई समझ में मेरी? मेरी बात आई समझ में? अब देखो, अब जो आठ दांत हैं कैनाइन के, जो आठ दांत हैं, जो कृंतक के आठ दांत हैं, यूँ समझिए चार दांत ऊपर हैं, चार दांत नीचे हैं, चार दांत ऊपर वाले जबड़े में होंगे, चार दांत नीचे वाले जबड़े में होंगे, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? अब इसका काम क्या है? ये भोजन को पकड़ता है, जैसे रोटी, अगर रोटी को काटें तो यहीं से तो काटते हैं कि यहाँ से, बगल से यहीं से काटते हैं, रोटी को यहीं से काटा जाता है। तो इसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है, ये पकड़ेगा और काट लेगा, पकड़ेगा काटेगा। ये काम किसका है? ये काम है इंसीजर दांत का। बोलो, समझ में आई बात?
फिर जो हमारा कैनाइन दांत है जिसका सिंबल सी है, इसकी दांतों की संख्या 4 है, इसका मतलब दो दांत ऊपर हो जाएगा, दो दांत नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब इसका काम क्या है, चीरना या फाड़ना, इसका सीधा सीधा काम है भैया चीरना और फाड़ना। इसका जो काम है वो चीरना और फाड़ना है, इसका काम क्या है, भोजन को चीरना या फाड़ना है, ठीक। अब देखो प्रीमोलर दांत जो होगा इसके सिंबल है PM है, इसके दांतों की संख्या 8 है, 8 बोले तो 4 ऊपर 4 नीचे, देखो 4 ऊपर 4 नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 ऊपर वाले में होगा 4 नीचे वाले में होगा, ठीक है। और इसका काम है भोजन को चबाना, इसका काम है भोजन को चबाना, ठीक है। हमारा मोलर दांत है, मोलर दांतों की संख्या देखो सिंबल M है, इसकी संख्या 12 है, सबसे ज़्यादा किसकी संख्या होती है तो मोलर दांतों की संख्या होती है। अब 6 मोलर ऊपर होंगे, 6 मोलर नीचे होगा, 6 ऊपर वाले जबड़े में, 6 नीचे वाले जबड़े में, टोटल 12 हो जाएंगे। और इसका काम है भोजन को पीसना, भोजन को पीस डालना है। तो समझो फिर एक बार समझा रहे हैं, देखो इंसीजर दांतों का काम है भोजन को पकड़ना या काटना, फिर कैनाइन दांतों का कार्य है चीरना या फाड़ना भोजन को, फिर प्रीमोलर का कार्य है भोजन को चबाना, फिर मोलर दांतों का कार्य है भोजन को पीसना। इतनी बात आई समझ में, कहोगे सर हाँ आई समझ में, बोलो कहो हाँ आई समझ में। अब एक कन्फ्यूजन तुम लोगों के पास है, देखो ध्यान से देखना, ये मेरी दांत बीच का दांत है। अब जो ये 4 दांत हैं, 4 ऊपर मतलब दो, देखो दो दांत बीच बीच वाले भाग से दो इधर हो जाएंगे, दो इधर हो जाएंगे, 4 ऊपर हो जाएंगे, नीचे वाले से दो इधर 4 हो जाएंगे। अब देखो ध्यान से, अब ये जो मोलर दांत होंगे भैया, ये कैनाइन दांत होंगे, ये 2 ऊपर है, इसका मतलब एक इधर होगा एक इधर होगा, एक दांत इधर है ये ए और एक दांत इधर है, मतलब दो दांत ऊपर यहाँ छोड़ दें, 4 यहाँ छोड़ देंगे, 4 नीचे, देखो ध्यान से सुनो, ऊपर 4 तो मतलब लगातार 4 दांतों को छोड़कर जो इधर 5वां दांत होगा कौन सा दांत होगा बोलो, यहाँ से बीच बीच से 2 दांत छोड़कर जो तीसरा दांत पर आएंगे ये वाला कौन सा दांत होगा, ये होगा हमारा ये कैनाइन। तो मतलब एक दांत इधर एक दांत इधर, दो दांत एक इधर दो, 4 दांत, मतलब ऊपर भी एक एक दो, नीचे भी एक एक दो, मतलब 4 दांत ये हो जाएंगे। अब देखो अग्रचावरणक है, इसका मतलब यह है कि जहाँ से कैनाइन ख़त्म होगा, जहाँ से एक दांत यहाँ कैनाइन ख़त्म हुआ इसके जस्ट बाद 4 ऊपर 4 है ना, तो 2 इधर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, तो 2 दांत इधर हैं प्रीमोलर के, 2 दांत इधर हैं प्रीमोलर के, ऊपर तो 4 हो गए, और नीचे जहाँ से कैनाइन ख़त्म हुआ है, जहाँ से कैनाइन ख़त्म हुआ है वहीं से 2 दांत इधर हो जाएंगे प्रीमोलर के, और 2 दांत इधर प्रीमोलर के हो जाएंगे, तो 2 और 2 4 ऊपर, 2 और 2 4 नीचे, तो 4 और 4 8 दांत हो जाएंगे, बोल समझ में आई बात। अब मोलर चावरणक, इससे हम इसकी संख्या 12 है, 6 ऊपर होते हैं 6 नीचे होते हैं, कहने का मतलब है 3 दांत इधर हो जाएंगे ऊपर और 3 दांत इधर हो जाएंगे ऊपर, 6 ऊपर हो गए, 3 दांत इधर हो जाएंगे नीचे, 3 दांत इधर हो जाएंगे नीचे, तो 3 और 3 इधर, 3 इधर, 6 हुआ यहाँ ऊपर वाले में, 3 इधर 3 इधर, तो यहाँ 6 नीचे हो गया, मतलब टोटल 6 12 दांत हो जाएंगे। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, बोलो इतनी चीज़ें आई समझ में कि नहीं, दांतों के प्रकार में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बोलो इतनी चीज़ें आई है समझ में, कहोगे सर हाँ आई है समझ में, आई गई समझ में ना, ठीक है, इतनी चीज़ें आई है समझ में तो अच्छी बातें हैं। अब हम इसको मिटा के थोड़ा सा और बता दें, उसके बाद में आज की क्लास ख़त्म। पहला लिखो, इसमें नोट डाल के लिखो, नोट डाल के नोट, पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखना है, क्या लिखना है, पहला पॉइंट लिखना है मानो शरीर में कुल 32 दांत होते हैं, मानो मुख में कुल 32 दांत टेढ़ा हो रहा है ना, सीधा तो उसे कभी लिख ही नहीं जाता है, मानो मुख में कुल 32 दांत पाए जाते हैं,
ठीक है, 32 दांत पाए जाते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट में लिखो, 16 दांत ऊपर के जबड़े में तथा 16 दांत नीचे के जबड़े में। बोलो, इतनी बातें समझ में आई? दांतों का क्रम यहाँ लिखेंगे, दांतों का क्रम जो है, सबसे पहले होगा इनसीजर, उसके बाद में होगा कैनाइन, उसके बाद में जो होगा, दिख रहा है, कैनाइन, उसके बाद प्री मोलर, उसके बाद होगा मोलर, उसके बाद मोलर। तो ये दांतों का क्रम है, ठीक है। उसके बाद लिखना है, यहाँ लिखना चौथा पॉइंट में, दांतों की संख्या कितनी होती है, तुम सब बताओ, कितनी होती है बताओ, 20 होती है, संख्या 20 होती है, कितनी होती है, 20 होती है, ठीक है। अब लिखो यहाँ बच्चों में, एक ही बार निकलने वाले दांतों संख्या, अब तुम सब बताओ। देखो, 32 दांत में से 20 दांत जो हैं दूध के दांत होते हैं, दोबारा निकलते हैं, तो 32 में से 20 दोबारा निकलेंगे, तो शेष 12, तो 12 बचेगा, संख्या 12 होती है, ठीक है। बोलो यहाँ से, यहाँ थोड़ी चीज़ें और हम मेंशन करेंगे। पहले चीज़ें जैसे छठा, यहाँ पर इसी में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पहला दांत हमारा कौन सा, इंसीजर, फिर कैनाइन है, प्री मोलर, बोलो, इतनी चीज़ें समझ में आई बात? ठीक है, यहाँ से देखो, इनके संख्या कुल आठ दांत। एक सेकंड रुक जाओ। डाले ठीक है, कुल 8 दांत, ये सभी दो बार निकलते हैं, दो बार निकलते हैं, ठीक है, दिख रहा है ना। हाँ, कुल 4 दांत, ये सभी दो बार निकलते हैं। ठीक है, लिखो, तुम सब लिखो। ये आठ है तो बताए थे, आठ
दांत, ये सभी केवल एक ही बार, ये सभी केवल एक ही बार लिखे हो तुम सब, ये सभी केवल एक ही बार निकलते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, देखो ये आठ और आठ और चार बारह दांत हो गए, बारह दांत हो गए ना। अब हमारे पास कितने, ये कुल दांत कितने होंगे, ये कुल दांत कितने हैं बताओ, ये कुल दांत, कुल दांत, कुल तो कुल बारह दांत, ठीक है, कुल बारह दांत हैं। अभी आठ तो दो बार निकलेंगे, आठ दांत दो बारह निकलते हैं, आठ दांत, इसमें दो चीज़ें लिखना, इसमें लिखो ये, इसमें आठ दांत, इसमें इसमें आठ दांत दो बार निकलते हैं, चार दांत, शेष चार दांत, शेष चार दांत केवल एक बार निकलता है, केवल एक ही बार निकलता है, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को समझा दूँ, इस चीज़ को मैं एक बार समझा दूँ, फिर आज की क्लास आज यहीं तक रहेगी, ठीक है। देखो मनुष्य मानव मुख में कुल 32 दांत होते हैं, ये हम जानते हैं पहले से, 16 दांत ऊपर वाले जबड़े में, 16 दांत नीचे वाले जबड़े में, 16 16 32 हो जाएगा। दांतों का क्रम जो होगा, आप लोग इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए, क्रम पूछता है, सबसे पहले इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर। देखो ये हो जाएगा कृंतक, ये रदनक है, अग्र चावरणक है, चावरणक है, ठीक है। तो ये क्रम हो जाएगा किसके, दांतों का क्रम हो जाएगा। देखो ध्यान से, जहाँ से हमारा कृंतक खत्म होगा वहीं से रदनक चालू, रदनक खत्म, यहाँ अग्र चावरणक, उसके बाद चावरणक, ऐसे ऐसे चलता है। अब देखो दोबारा निकलने वाले दांतों की संख्या 20 है, हमने बताया भी, लिखे भी हैं, अभी यहाँ पर समझाएंगे, दोबारा निकलने वाले दांतों की संख्या 20 है, ठीक है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखो एक ही बार निकलने वाले दांतों की संख्या 12 है, देखो 12 और 20 मिलकर 32 हो जाएंगे, ठीक। इंसीजर जो होता है वो कुल 8 दांत होते हैं, मैंने अभी बताया भी था, और ये सभी दो बार निकलते हैं। इंसीजर दांत, अगर बात दोबारा निकलने वाले दांतों की हो तो ये 8 दांत होते हैं, इंसीजर 8 के 8ों दोबारा निकलते हैं। यहाँ कैनाइन 4 दांत होते हैं, 4 के 4ों दोबारा निकलते हैं, देखो, ठीक है। प्रीमोलर, इसमें 8 दांत होते हैं, लेकिन ये प्रीमोलर दांत जो है केवल एक ही बार निकलता है, ये कभी निकलता नहीं, दोबारा नहीं निकलता, सिर्फ एक ही बार निकलेगा। उसके बाद मोलर दांत जो होते हैं, मोलर दांतों की संख्या 12 है, चावड़क दांतों की संख्या 12 है, 12 में से 8 तो दोबारा निकलते हैं, 8 दांत दोबारा निकलेंगे, टूट के गिरेंगे फिर निकलेंगे, लेकिन ये 4 दांत जब एक बार निकल आएंगे तो ना टूटेंगे और ना ही फिर दोबारा कभी, टूट गए तो कभी दोबारा निकलेंगे भी नहीं। देखो समझो, फिर से समझो, इंसीजर दांतों की संख्या 8 होती है, हम कहते हैं बच्चों के दूधों के दांतों की संख्या 20 लिखे हैं, यार दूध के दांत 20 होती है, बच्चों में जब दूध के दांत गिर जाते हैं तब फिर से दांत निकलते हैं, कहने का मतलब यह है वो ये दूध के दांतों में 8ों आएंगे, ये 8 दांत गिर जाएंगे, मतलब एक बार निकलेंगे फिर गिर जाएंगे, मतलब ये दूध के दांत हैं, ये गिर जाएंगे तो फिर से निकलेगा, इसका मतलब है ये दूध के दांत एक बार निकलेगा तो गिर जाएगा, फिर उसके बाद दांत निकलेगा, तो कहने का मतलब है इंसीजर दो बार निकलता है, एक बार गिर जाता है जो दूध वाले दांत होते हैं वो गिर जाएंगे फिर से दांत निकलेगा। अब यहां देखो कैनाइन दांतों की संख्या कितनी है भैया, कैनाइन दांतों की संख्या कितनी है, 4, ये भी दूध के दांत हैं,
ये भी एक बार गिर जाएंगे फिर दोबारा निकलेंगे। लेकिन प्रीमोलर जो दांत हमारा है, प्रीमोलर जो दांत हमारा होता है, ये केवल एक ही बार निकलेगा। ये दूध के दांतों में इसकी काउंटिंग नहीं होती है। दूध के दांतों में जो होगा प्रीमोलर नहीं आएगा, ये एक बार निकलेगा तो फिर गिरेगा नहीं। अगर टूट भी गया, एक बार निकलेगा तो टूटेगा नहीं, अगर टूट गया तो फिर दोबारा निकलेगा भी नहीं, ठीक है। मोलर दांत, इन दांतों की संख्या कितनी है? 12। 12 में से 8 दांत तो गिर के दोबारा निकलेंगे, लेकिन 4 दांत ऐसे होंगे जो सिर्फ एक ही बार निकलेगा, दोबारा नहीं निकलेगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेरे साथियों। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें थी, मैंने उसको बता दिया है आप लोगों को। आप लोग ज़रूर पढ़िए, एक दो बार वीडियो और पढ़ लीजिए, बैक करके आप देखिएगा। बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। और जितने भी कंपटीशन लेवल पे आप पढ़ोगे ना, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आने की उम्मीद नहीं है। हाँ, मैंने एक चीज़ नहीं बताया अभी, दंत सूत्र, दांतों का सूत्र, लेकिन वो मैं अगले क्लास में बताऊंगा। तो आज तक ये क्लास यही रहेगी, और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप इसे देखिएगा ज़रूर, ठीक है। धन्यवाद साथियों।